तो उसे स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप इतना काम करते हैं, इतना अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन आपको फिर भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और सफलता आपके हाथ नहीं लगती। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य हम कर देते हैं जिससे ये बाधाएं आ जाती, तो कैसे दूर करें इन बाधाओं का। और आप चाहें आप सब नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें जो ये उपाय हम बता रहे हैं, जो अर्ध के लिए हम उपाय बता रहे हैं, बहुत ही असरकारक है। अगर इन्हें नियमित रूप से किया जाए तो सफलता ज़रूर आपके साथ होगी। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि किस तरीके से अगर कोई बाधा आ रही है उसे दूर किस तरीके से किया जाए और कौन सा अर्ध उसके लिए असरकारक है। जी पंडित जी, बाधा यदि आपको आती है आपके हर काम के पीछे, इसके पीछे आपकी जो जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं उनका विशेष दोष होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके हर कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं, रोक उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो उन ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए ध्यान रखें कि जो भी आपके जन्म कुंडली में नीच के ग्रह हैं या जो ग्रह आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं उनको दूर करने के लिए नियमित रूप से यदि आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष में यदि आप जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं तो आपको विशेष रूप से ग्रहों के दोष से मुक्ति मिलती है। साथ साथ में पीपल में चूंकि माँ लक्ष्मी का वास माना गया है तो माँ लक्ष्मी का यदि आप आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान विष्णु का यदि आप आशीर्वाद चाहते हैं, तो यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं, दीपक वहाँ पर घी का लगाते हैं, तो धन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। साथ साथ में ग्रहों से संबंधित जितना भी आपके जन्म कुंडली के अंदर दोष है उस दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। चाहे अगर कोई दोष है आपकी कुंडली में और अगर उन ग्रहों को हमें शांत करना है जो नीच ग्रह हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही असरकारक उपाय है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर किसी तरीके से, आपने देखा होगा घर में कई बार लोग इस तरीके से बीमार पड़ जाते हैं कि डॉक्टर्स भी उनके सामने उनका इलाज नहीं कर पाते, ऐसे में किस तरीके से हम उन्हें स्वस्थ करें या किस तरीके से कोई ऐसी लाइलाज इस तरीके की बीमारी हो हम उसे कैसे सही करें, इसके लिए भी अर्ध देना बहुत ज़रूरी है और उस अर्ध के बारे में हमें बताएंगे पंडित जी। जब यदि आपको लगता हो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कुछ दैवीय प्रकोप हो रहा हो, लगता हो कि बार बार घर के अंदर उच्चाटन जैसी आपको प्रवृत्ति दिख रही हो, घर के जो आपके जो सदस्य हैं उनके अंदर बीमारी का बहुत ज़्यादा वास होता दिख रहा हो, आपको लगता हो कि आपके घर के अंदर कोई टोना टोटका हो गया हो, आपके घर के अंदर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, आपके घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा गंभीर रोग से पीड़ित हो, लगातार चिकित्सकों की परामर्श देख रेख के बावजूद भी यदि वह ठीक नहीं हो रहा हो, सभी जांचें भी सामान्य आ रही हों, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जिससे घर से बीमारी को बाहर निकाला जाए, तो उसके लिए एक विशेष अर्ध में आपको बता रहा हूँ, माँ शीतला और माँ संकटा का ध्यान करके ये अर्ध दिया जाता है। तो आप नियमित रूप से नीम के वृक्ष के नीचे, ध्यान रखें नीम का जो पेड़ होता है उसके नीचे माँ शीतला और माँ संकटा का ध्यान करके जल का अर्ध यदि आप वहाँ पर प्रदान करते हैं, दो धूप बत्ती वहाँ पर जलाते हैं और कुछ मीठा भोग वहाँ लगाते हैं, तो आपके घर के अंदर जितने भी बीमारियों का वास है उन सब बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ साथ में घर के अंदर जो भी नकारात्मक वातावरण है उस नकारात्मक वातावरण से भी आप सबको मुक्ति मिलती है। जी, आपने जाना किस तरीके से अगर किसी को इस कोई दैवीय, हम जैसे कहते हैं जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ऊपर की हवा, अगर किसी को ऐसा संकेत मिलता है कि इस तरीके की कोई चीज़ है तो ये अर्ध उसमें बहुत लाभकारी है। साथ ही अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम पारिवारिक कलेश, जो कि एक बहुत आम सी चीज़ होती नज़र आ रही है, हर कोई इस कलेश में नहीं पड़ना चाहता और अगर है तो वो इससे बहुत जल्दी निकलना चाहता है, तो उसके लिए क्या करें कि आपका परिवार एकदम शांतिपूर्ण माहौल में रहे और हमेशा उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा बहती रहे, उसके लिए हम जानेंगे पंडित जी से कि कौन सा अर्ध सबसे ज़्यादा लाभकारी है। सबसे ज़्यादा जो अर्ध लाभकारी बताया गया है वो माँ तुलसी का, जिसको नियमित रूप से जल का अर्ध देना आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। तो यदि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश का वातावरण रहता हो और घर के जो वातावरण है वो आपको बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ नज़र आता हो, तो ऐसी स्थिति में घर का जो मध्य भाग है जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं या ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का जो कोना होता है जिसे ईशान कोण के नाम से जाना जाता है, उस कोने में आपको एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। उस पौधे के अंदर
नियमित रूप से कच्चे दूध का यदि आप अर्घ देते हैं और साथ साथ में देशी घी के साथ दीपक से आरती करते हैं, तो आपके घर का कितना भी कठिन से कठिन वातावरण हो, कलेश वातावरण हो, उस वातावरण को आप तत्काल नियंत्रित कर सकते हैं और ऊर्जा जो होती है वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। घर के सभी सदस्यों में उच्च संस्कार भी संचारित हो जाते हैं। ध्यान रखें कि माँ तुलसी की जड़ों के अंदर ब्रह्मा का निवास माना गया है, तो जब आप तुलसी जी में अर्घ प्रदान करते हैं, तुलसी जी की आप परिक्रमा करते हैं, तुलसी जी के घी का दीपक करते हैं, तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपके जीवन में जितनी भी कठिन से कठिन समस्याएँ, आपके घर के अंदर जो कले कलेश का वातावरण है, आपके जो बच्चे जो गलत संस्कार में जो पढ़ते जा रहे हैं, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, अगर कोई विवाह योग्य कन्या जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, यदि वह तुलसी जी के अंदर केसर मिला जल अर्पण करती है, अर्घ्य प्रदान करती हैं, तो उसके विवाह में जितनी भी रुकावटें हैं उन सब रुकावटों से उसको मुक्ति मिलती है। तो देखा कितना सरल उपाय है जिससे आपके घर में बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर आपका घर हो जाएगा। और साथ ही इसके साथ ही अगर आने वाले समय में भी अगर कुछ इस तरीके का आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा ख़राब सा वातावरण बन रहा हो या फिर बहुत ही नेगेटिविटी घर में आ गई हो, तो बहुत छोटा और बहुत ही असरकारक उपाय है ये। पंडित जी, सबसे अहम चीज़ आज के टाइम में, जैसे हम कहते हैं ग्रह कलेश इन सब की हमने बात करी, नौकरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे लोग लेके हमेशा चिंतित रहते हैं। जो आज का जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत टेंशन रहती है कि मैं अब आगे क्या करूं, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा अर्ध इन्हीं में से कोई वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उन्हें कुछ लाभ मिले? बिल्कुल, जो मैंने आपको गणेश जी का विशेष तौर पर अर्ध जो बताया है, जिसके अंदर तांबे के कलश के अंदर सुपारी, रुपये का सिक्का और दुर्वा, इत्र, चावल, अक्षत, रोली मोली, ये सब डाल के जो गणेश जी का अर्ध बताया गया है, तो यदि बेरोजगार जो हमारे दर्शक हैं जो कि रोजगार को प्राप्त नहीं कर रहे हो, सरकारी नौकरी यदि आपको चाहिए, तो 45 दिन तक नियमित रूप से यदि भगवान गणेश जी का आप अर्ध देते हैं, तो रोजगार से संबंधित, व्यापार से संबंधित आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उस परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त अगर हो जाता है, तो आपके भाग्य में जितनी भी रुकावटें हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। जी दोस्तों, देखा कि जो गणेश जी को अर्घ देने का जो पूरा हमने विधि आपको बताई, अगर आप उसे अपनाएंगे तो जितने भी हमारे बेरोजगार या जिनको नौकरी में कोई भी परेशानी है, उनको जल्द से जल्द अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। और पंडित जी, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में भी आया कि जो हम अर्घ की बात करते हैं, तो अर्घ के अंदर चंद्रमा को अर्घ दिया वो हम रात्रि में देंगे, और सुबह के जितने अर्घ हैं जैसे सूर्य भगवान को दिया या बाकी जिनकी भी, तुलसी जी की अगर हम बात करें, तो कितना महत्वपूर्ण है ये कि हम सुबह के अर्घ और रात्रि में अगर दें? क्योंकि अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो बहुत जल्दी जो होता है कि सुबह उठ के नहा धो के सभी चीज़ पूजा वगैरह करके आप अर्घ देना शुरू करें, क्योंकि नियमित जो कहा जाता है, जो हमारे उन वेदों में उनमें लिखा हुआ है कि आपको इसी तरीके से अर्घ देना है, तो जो रात्रि में अगर अर्घ दिया जाए उसका कितना महत्व है और जो सुबह का अर्घ होता है? रात्रि में जो अर्घ दिया जाता है वो सिर्फ चंद्रमा को दिया जाता है, बाकी सब जो अर्घ हैं उनकी जो महत्वता बताई गई है वो सूरज की साक्षी में बताई गई है। तो ध्यान रखें कि सूर्योदय के समय यदि जो आप अर्घ प्रदान करते हैं उसका आपको 100% परिणाम मिलता है। कहा जाता है कि 8-9 बजे तक में आपको अर्घ का काम कर देना चाहिए, अर्घ प्रदान कर देना चाहिए। तो जितने अर्घ भगवान सूर्य की साक्षी में आप प्रदान करते हैं उनका आपको शुभ परिणाम प्राप्त होता है। रात्रि में यानी सूर्यास्त के बाद में सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को ही अर्घ प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ में पितरों के लिए भी नियमित रूप से आपको अर्घ प्रदान करना चाहिए। जो आपको बताया शुरुआत में कार्यक्रम की, कि अंगूठे की तरफ से आप अगर जल देते हैं तो आपके पितर आप प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आज के युग में पितर की प्रधानता मानी गई है। भगवान को पूजने के साथ साथ में यदि आप पितरों का भी पूजन करते हैं तो आपके घर के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। देखा दोस्तों कि किस तरीके से ये छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें, छोटे से टिप्स हैं, अमल कीजिए और आपके जीवन पे देखें कितना चमत्कारिक प्रभाव ये डालेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक विशेष उपाय का। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे आप मानसिक रूप से हों, आर्थिक से हों, किसी भी तरीके से हों, तो उसके लिए पंडित जी हमें एक विशेष उपाय बताएंगे।
यदि आपको हमेशा लगता हो कि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं या सामाजिक रूप से परेशान हैं, तो आपकी इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर आपके लिए आया हूँ। आपको लगता हो कि आपका हर काम रुक रहा हो, कोई रास्ता आपको नहीं निकल रहा हो, तो आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला असरकारी उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना ये है कि इस शनिवार को, जैसे आज शनिवार है, कल रविवार है, तो आप अपना एक पुराना इस्तेमाल किया हुआ काला कोई कंबल हो या कोई शॉल हो, उसको आप शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, और इस्तेमाल किया हुआ कंबल यदि नहीं मिले तो एक नया वस्त्र, ऊनी वस्त्र भी आप काम में ले सकते हैं, नया कंबल काम में ले सकते हैं। वो शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को, जो नीडी पर्सन हो, उसको आप दान करते हैं तो निश्चित तौर पर जितनी भी आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएँ हैं, उन सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और कुछ ही दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है कि अगर किसी भी, जो जिसे चाहिए हो, किसी भी नीडी पर्सन को अगर आप ये अपने उपयोग में किया हुआ कंबल देंगे, तो उससे आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी तरह की कोई भी परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पावर मंत्रा की, जो हमें पंडित जी बताएंगे किस तरीके से इस पावर मंत्रा के उपयोग से आप अपने जीवन को और अपने आने वाले समय को कितना अच्छा बना सकते हैं। दर्शकों, आज के इस युग के अंदर किसी को भी धन की मदद करना एक बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। तो आप किसी की मदद तो कर देते हैं लेकिन वो धन वापस नहीं आता है। उधार देना आसान है लेकिन उसे वसूलना बहुत मुश्किल काम है। तो यदि आपका भी कोई धन कहीं पे अटका हुआ हो और वो व्यक्ति आपको धन वापस नहीं दे रहा हो, तो उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही सरल किंतु बहुत ही पावरफुल मंत्र आपको बता रहा हूँ, जिसके जाप करने से निश्चित तौर पर आपका जो अटका हुआ जो धन है, रुका हुआ जो धन है, वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण का यह मंत्र है, आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारिक मंत्र है। ओम क्रिम कृष्णाय नमः। पुनः एक बार उच्चारण सुन लीजिए, ओम क्रिम कृष्णाय नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से आप निवृत्त होकर अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं, और उसके बाद में आचमन प्राणायाम करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आप रुद्राक्ष की माला से यदि इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस मंत्र का असर दिखने लगेगा। कहीं पे भी जो आपका रुका हुआ जो पैसा है, जो बहुत दिनों से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, शीघ्र ही उस रुके हुए पैसे की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना, ये तो था पावर मंत्र। एक छोटा सा मंत्र, कितना उसका आपको इफेक्ट होगा और कितना चमत्कारिक होगा, ये आप नियमित रूप से करें, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अपने जीवन पे इसका प्रभाव। तो आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से अर्ध हमारे जीवन पे असर डालते हैं और क्या कुछ, किस पर्टिकुलर चीज़ को या किस समस्या को हटाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए आपको कौन सा अर्ध करना है। उम्मीद करते हैं हमारा ये आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों से अर्ध के बारे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अगर आपकी भी अपनी कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लीजिए, जो है goodlucktips@firstindianews.com। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी हमारा ईमेल आईडी आ रहा है, आप नोट करके आप अपनी समस्या हमें इस ईमेल आईडी के द्वारा हमें भेज सकते हैं। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।